जो वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति है, वहाँ की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसको देखते हुए वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने में केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ही नाजुक है। एक तरफ पाकिस्तान और जो भी हमारे खिलाफ, इस भारत के खिलाफ जो एजेंसियाँ हैं, जो देश हैं, वो हमारे खिलाफ लगे हुए हैं। तो हमको अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करके वहाँ की स्थिति को बदलने की ज़रूरत थी, बजाय इसके कि उसके विपरीत जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन किया गया। और जिस प्रकार से एक बैग वहाँ के विधानसभा को भंग कर दिया गया, तो इससे हमको लगता है कि कश्मीर की जो स्थिति है वो और पेचीदा होगी, और विदेश और ख़ासतौर पर पाकिस्तान को ये कहने का मौका मिलेगा कि केंद्र सरकार द्वारा लोकतांत्रिक जो ताकतें हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनको दबाने की कोशिश हो रही है। हो गया है कि सीबीआई का किस तरह से राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है, ये तो सीबीआई की जो आपसी लड़ाई है उससे भी स्पष्ट हो गया। और ऐसे भी अब ये बात कोई छिपी हुई नहीं है, आपने देखा कि दो राज्य आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये भी कह दिया कि अब सीबीआई के द्वारा कोई जांच नहीं कराई जाएगी, सीबीआई के अधिकार को एक तरह से उन्होंने चुनौती दी है। तो यह स्पष्ट हो गया है कि ख़ासतौर पर केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद जितनी भी ऐसी मिशनरी है, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, ऐसे तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाने के लिए, उनके छवि को धूमिल करने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है और वो लगातार चल रहा है। हालांकि आपने देखा कि 2014 में केंद्र में जो मोदी सरकार आई वो यूपीए के भ्रष्टाचार पर को कहा कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत करप्शन हुआ है, और वो एक सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन का था, 2G का था। लेकिन आज लगभग 5 साल पूरा होने को है, एक भी भ्रष्टाचार के मामले का एक प्रकार से उसकी पुष्टि नहीं कर मोदी सरकार को। तो 5 साल का जो परफॉर्मेंस रहा है, जो उनका कार्यकलाप रहा है, वो यकीनन संतोषजनक नहीं है, और इसलिए उनको ये लग रहा है कि कोई हमारी उपलब्धि नहीं है 5 साल की, जो हमने वादा किया था 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उन वादों को पूरा नहीं किया जा सका है। तो अब उनके पास एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है राम मंदिर का। तो क्योंकि उनको लगता है कि राम जी के सहारे ही उनको कामयाबी मिल सकती है, और ये भारतीय जनता पार्टी का ये कोई पहली बार ऐसा राम जी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा नहीं है। 40 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हर चुनाव में, चुनाव से पूर्व राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है, और फिर चुनाव के बाद कोई उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज हो रहा है कि कानून बनना चाहिए, कानून लाना चाहिए। एक समय था जब अटल जी की सरकार थी तो उस समय इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, ये कहकर कि हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं। लेकिन इस बार 2014 में देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया उनको, लेकिन उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया।